हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। तो उसकी एक्सरसाइज 6.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5th को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ये कोई फिगर नहीं है, ठीक है? ये फिगर नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है और दोनों के लिए ही कॉमन फिगर है यहाँ पर। तो पहले मैं आपको ये फिगर समझा देता हूँ। ये आपके सामने एक फिगर है, इसमें ये लाइन आपको दिख रही होगी, कलर जो चेंज करूं, देखो ये लाइन दिख रही है आपको पी क्यू, ठीक है? और ये दूसरी लाइन दिख रही है पी एस। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पे लंब है, हिंदी में लंब कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जब एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है, एक लाइन दूसरे पे लंब होती है, तब ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होता है। इसका नाम P है, इसका नाम Q है और ये S। फिर इसको इससे मिलाया गया, इसका नाम है Y और इसका नाम रखा गया है X। और इसके अलावा और क्या किया है? इसके अलावा यहां पर दो लाइन को पैरेलल का है, समांतर का है, मतलब एक लाइन जो S से शुरू होती है, S से एक लाइन हमने बनाना शुरू किया और इस तरीके से चलती जा रही है। तो क्वेश्चन में कहा है कि ये वाली लाइन जो है, ये जो पी क्यू है, इसके समांतर है, इसके पैरेलल है। तो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या दे रखी है? पैरेलल, एक दूसरे के क्या दे रखी है? समांतर। क्यू से एक लाइन यहां से चल पड़ी है और इस पॉइंट पे कहीं आकर मीट कर रही है। इस पॉइंट का नाम है आर और ये है टी। तो हमें ये वाला एंगल जो है ये 28 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल यहां पर 65 डिग्री दे रखा है, क्योंकि हमें कहा है कि ये लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो ये वाला एंगल जो है कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री। चलिए, सारी चीजें हमने देख ली, तो अब शुरू करते हैं। अब यहां पर आप एक चीज देखें, वो क्या है? ये फिगर यहां पर भी बना हुआ है। तो आपको पता है, मैंने आपको कई बार समझाया है, जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल होती है, हिंदी में कहे तो समांतर होती है, जब एक लाइन दूसरी लाइन के समांतर होती है, तो आप देखें फिगर में कहीं पर जेड बन रहा है, जबकि आप देखें आपको यहाँ जेड बनता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए जेड बन रहा है, ये बन रहा है जेड, यहां से ये गया, फिर ये फिर ये ऐसे जेड बन गया, ठीक हो गया, यही जेड बन रहा है ना। तो इस Z में ये जो पूरे का पूरा एंगल है ये कितना है, ये देखना पड़ेगा। ध्यान रखना, मैं इस पूरे के पूरे एंगल की बात कर रहा हूं। तो ये जो पूरा का पूरा एंगल है, इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है X और दूसरा हिस्सा ये है 28 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा जो एंगल हो जाएगा वो होगा X प्लस 28 डिग्री। तो हमें पता है ये वाला एंगल हो गया हमारे पास X प्लस 28 डिग्री और ये वाला एंगल कितना दे रखा है आपको? 65। तो हमें पता है कि ये दोनों जो कोण हैं, ये जो दोनों एंगल्स हैं, जो Z के कॉर्नर वाले हैं, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हिंदी में बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो इसका मतलब है कि X प्लस 28 डिग्री इक्वल होगा आपका 65 डिग्री के। यहां पर इंग्लिश में तो लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और हिंदी में लिखना है एकांतर अंत कोण, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 28 को हम यहां लेके जाते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 65 माइनस 28। तो x हमारे पास कितना आ जा रहा है? ये हमारा 37 डिग्री आ जा रहा है। आप भी एक बार चेक करके देख लेंगे, 37 डिग्री ही आ रहा है। तो x हमने निकाल लिया। अब फिगर में आप देखोगे तो अगला एंगल आपको जो यहां पर फाइंड करना है वो है y। तो y फाइंड करने का तरीका आसान है, उसके लिए आपको ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ये वाला त्रिभुज देखना पड़ेगा। दिख रहा है आपको? ये मैंने बाउंड्री बना दी, उसमें ये वाला एंगल तो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल y है और ये वाला एंगल x है। तो आपको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पर आपको तीन एंगल्स कौन कौन से मिले? एक ये मिला कौन सा? 90 डिग्री,
ये फिगर सारे एक जैसे ही, हाँ कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये वाला है वाई, ये वाला है एक्स, तो वो तीन एंगल कौन से हैं जिनका सम 180 डिग्री है? एक है 90, एक है वाई, एक है एक्स, और यहां पर है 180 डिग्री। अब x ऊपर हम निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा 90 प्लस y प्लस x, हम कितना निकाल चुके हैं ऊपर, 37 निकाल चुके हैं, इक्वल टू 180। तो आपको यहाँ रीजन भी लिखना पड़ेगा किस रीजन से आपने इन तीन एंगल्स का सम जो है 180 रखा, इन तीनों को जोड़कर 180 डिग्री के इक्वल रखा। उसका रीजन लिखोगे यहां पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। हिंदी में आप खुद लिखें, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हम 90 को 37 से ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 127 प्लस वाई इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। 127 को यहां लेके जाएंगे तो वाई आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 127, तो ये y हमारे पास यहां पर कितना आ गया, ये आ गया 53 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।